दिल्ली सरकार के सरकारी अस्पतालों में सभी दवाइयां मुफ्त मिल रही हैं, चाहे कितनी भी महंगी दवाई क्यों ना हो। लगे हुए सवेरे 9 बजे से, बहुत भीड़ होती है। अब डॉक्टर दिखा रहे हैं तो एक एक महीना का टाइम मिलता है। अब एक एक महीना का टाइम में अगर बच्चा सीरियस है तो वो तो मर जाएंगे। पूरी दुनिया में उसकी चर्चा हो रही है। झुग्गी बस्ती के अंदर एयर कंडीशन क्लिनिक, उसमें 210 तरह के टेस्ट होते हैं, सारे फ्री। हार्डली 20 टेस्ट हो रहे हैं क्योंकि हमारे पास फैसिलिटी नहीं है पूरी, हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है, हमें स्टाफ नहीं है, जैसे फार्मासिस्ट नहीं है हमारे पास, नर्सिंग स्टाफ नहीं है। अभी हमें तो फैन भी नहीं दिए गए हैं, अभी तो प्रॉपर चेयर वगैरह कुछ नहीं है सर। पेशेंट्स के लिए कम से कम जगह बैठने के लिए हो। इतनी दवाइयाँ डॉक्टर लिखे, वो सारी दवाइयाँ अस्पताल में मिलनी चाहिए। ज्यादा इलाज नहीं होता, आधी दवाई मिला आधी दवाई बाहर दे। केमिस्ट जो महंगी दवाई होती है 300 रुपए की 200 रुपए की, वो दवाई बाहर दो। आप 8 लो सोनती लाइन में बैठे लो 2-2 घंटे 3-3 घंटे, तो बाद में कहता फॉर्म वाला चलेगा, फॉर्म वाला नहीं है। उल्टा हम अगर हम कुछ कंप्लेन करते तो उल्टा हमारे पे ब्लेम आ जाता है, और दवाइयाँ अभी पूरी नहीं है अभी मेरे हमारे पास, क्योंकि हम पब्लिक को आधी दवाई देंगे तो फायदा तो होगा नहीं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिल्ली पूरे देश को एक दिशा दिखाएगा। हम इनवाइट करते हैं सारे दुनिया की जनता को कि हमारे मोहल्ला क्लिनिक आके देखो। अमेरिका को दिल्ली की मोहल्ला क्लिनिक से सीखने की जरूरत है। खुद से लाना पड़ता है मेडिसिन, कोई देने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, मेडिसिन खुद से जाके लाना पड़ता है। ज्वाइन करके छोड़ते हैं।